जोगिंदरनगर शहर की निचला ग्रोड़ू में दिन दहाड़े चोरों ने ग्राम पंचायत चौकीदार रीता देवी के घर में गोदरेज की अलमारी को तोड़कर उसमें रखे लगभग 100 ग्राम के गहने और 10,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया है। रीता देवी जब ड्यूटी से दोपहर को खाना खाने घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा भी खुला था, अलमारी का लॉक भी टूटा था और कमरे का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और अलमारी से गहने व नकदी भी गायब थे। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जोगिंदरनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मैं रीता देवी, गांव मकड़ना, ग्राम पंचायत चौकीदार, निचला पाल कुप्पी, रोड़ू। मैं 10 बजे चली जाती हूँ पंचायत को और 10 बजे मैं यहाँ से चली गई थी। ठीक है जी। और जब मैं खाना खाने 1 बजे आई तो मेरे जो लॉक टूटा हुआ था, मैं लॉक था नहीं, उसमें कुंडा लगा हुआ था। मैंने सोचा मेरे घर वाले घर आए होंगे तो उन्होंने सामान लिए या कहीं होंगे। जब मैंने इस अलमारी को देखा तो पहले वाली अलमारी, फर्स्ट अलमारी जो थी वो खुली थी। मैंने सोचा अपने आप आए होंगे तो अलमारी से कुछ ढूंढ रहे होंगे, तो मैं अपने कमरे पे चली गई। मैंने बीच पीछे वाला दरवाजा खोला तो फिर पीछे देखने लगी, पीछे तो नहीं है कहीं। फिर मेरी नज़र अपने कमरे पे पड़ी तो वहाँ पे एक जो लड़की के दहेज के लिए लिया था, लड़के को एक गुट्ठी ली थी 1 तोले की, उसमें लाइट वाली थी, वो लाइट जगी। जब मैंने देखी तो मैंने बोला ये तो हमारी मेरी गुट्ठी, ये बाहर कैसे आ। जब फिर जो मैंने देखा तो सारे गहने के डिब्बे वहाँ पे पड़े थे, लॉकर मेरी दूसरी अलमारी का टूट गया था, 10-11 हज़ार रुपया मेरा अंदर था वो भी ले गए, और सारे गहने जितने भी थे 8-10 तोले सारे टोटल ले गए। अपने पति को फोन किया, मैंने बोला घर आ जाओ, मेरे सारे गहने ले गए, पूरे गहने टूट गए, सारे ले गए, जल्दी आ जाओ, फिर मुझे कोई पता नहीं लगा, सारे गहने ले अकेले चोर थे, पूरे गहने ले, मेरे लाड़े फोन के अंदर थे, कमाई कमाई कने रेत बजरी है, मंज बीमारी है, मंज बड़ बड़े परेशान। गहनों के अलावा कोई और तो नहीं, कैसे वगैरह तो नहीं? बीमार हुए तो मैं गहने लाए थे बेचना, मेरे बच्चे ना कितनी नहीं बेच, मम्मी गहने मैं देती हूँ पैसे, आपको कितने पैसे चाहिए मैं देती हूँ पैसे, आप पापा का इलाज करो, तब भी हमने गहने नहीं बेचे। जो आरडी के पैसे रखे थे समूह से, बच्चे भी ऐड कर रहा उसके लिए मैंने लोन उठाया था। कितने पैसे थे आरडी के? 400 रुपए था और 5700 रुपए और था, और कुछ खुले पैसे थे उसमें 5700 मैंने गिन के रखा था, और 7000 जो था वो जो बिल्लू के पीछे था, एक बिल्लू जैसा टंगाया था मैंने, उसमें मैंने जाते जाते मेरे बैग में था, मैं पंचायत को गई, मैं उस बिल्लू के पीछे रखा था 7000 रुपए। मैंने बोला कोई तो आता नहीं यहाँ पे, कहीं भी मेरे पैसे कभी भी गुम नहीं होते थे, तो किसने ले जाने। मैंने पर्स उठाया, पर्स में मैंने 1200-1400 रुपए डाला डिप्पू के सामान के लिए, और मैं चली गई। वो नहीं, वो 7000 बच गए और सारे ले गए अंदर के जो थे वो सारे गहने थे मेरे। 2 कंगन थे 2.5 तोले के थे, बेसर थी 1.5 तोले की होगी शायद, 1 तोले का मान टिक्का था, बेटी के लिए एक गुट्ठी बनाई थी इसके, मतलब हम इसके बेटी ने बनाई थी 1 तोले की गुट्ठी इसकी थी, एक गुट्ठी मेरी थी, फिर एक मेरा कांटा ऐसा टूट गया था वो भी था जी, एक चेन थी, एक मंगलसूत्र था, सारे ले गए। झांझरा थी उसको नहीं ले गए, यहाँ पे क्लिप थे 2 भी नहीं ले गए, वो ऐसे फेंक दिए थे बाहर, और लॉकर भी तोड़ के बाहर फेंका था। मैं तो बेहोश हो गई, अब क्या करना, लेंगे मेरे 10 की तो था बेटी के समेत पूरा 10 10 तो गड़ा था, बिल भी उसमें ही है रखे हुए,
सारा बेड पे बड़े मजे से बेड पे किए, खाली बेड से ले गए सारे बेड में किए खाली, वहां से उठा के सब बेड में फेंकेंगे उससे फटोफट। इसमें मैंने फोन किया, मेरे हस्बैंड ने, पुलिस आ गई थी एक गाड़ी पुलिस की, पुलिस ने अपने काम कर लिया। 12 दिन दो तीन मोटरसाइकिल आई थी, एक गाड़ी पुलिस की आई थी। ठीक है,